गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट खड़ा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का मार्केट क्लोज हो चुका है और आप लोगों के लिए अनदर वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ विद टॉप 3 स्टॉक के साथ। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, काफ़ी अच्छी लेवल पर मैं उनको सेलेक्ट किया है कि किस लेवल पर बुलिश रहेंगे और किस लेवल पर बेयरिश रहेंगे। तो हर एक स्टॉक को आपको डीपली और सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, एक भी सेकंड का वीडियो स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट क्लड़क जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको मार्केट टाइमिंग में नए नए स्टॉक के लेवल देता हूँ। बाय चांस क्या होता है कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं उसको फिर से अपडेट करके देता हूँ। तो चलिए देखते दोस्तों, वेडनेसडे को जो मैंने स्टॉक दिया था टाइटन, रिलायंस और PVR, तो इन तीन स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों PVR बिल्कुल ही बुरिश ट्रेंड में रहा दोस्तों, और मैंने इसको आपको बाय के लिए दिया था 1049 से। इसको आपको बाय करना था और इसने जो हाई बनाया नियर अबाउट जो है 1117, नियर अबाउट इसने जो है 60 प्लस पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया बाइंग साइड में। तो दोस्तों ये होता है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप भी इस पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड आप मुझे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों वो दिया था रिलायंस। रिलायंस भी जो है बिल्कुल ब्लू स्टैंड में रहा। मैंने इसको सबसे पहले सेल के लिए दिया था 1965 से, इसको सेल करना था और इसने जो लो बनाया 1960, यानी कि सेल साइड भी इसने जो है 5 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट देकर गया है। और जब ये बाइंग जोन में आया तो दोस्तों मैंने इसको बाय के लिए दिया था 1976 से, आपको इसको बाय करना था। और इसने जो हाई बनाया 2010 जो है इसने हाई बनाया, नियर अबाउट जो है इसने 34 प्लस पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया है बाइंग साइड। तीसरा जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों वो दिया था टाइटन। टाइटन बिल्कुल ही ब्रिश ट्रेंड में रहा और गैप अप ओपन रहा दोस्तों। मैंने इसको बाय के लिए दिया था 1018 से, लेकिन इसने जो है गैप अप स्टार्ट हुआ और इसने 1020 से जो है, तो टाइटन दोस्तों गैप अप ओपन हुआ। मैं इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करके दे दिया था 1031 से इसको बाय करना था दोस्तों, और इसने जो हाई बनाया 1065, नियर अबाउट इसने भी जो है 34 प्लस पॉइंट का जो प्रॉफिट देकर गया बाइंग साइड। तो ये थे टॉप 3 स्टॉक, होप कि आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा और प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कल थर्सडे के लिए कौन कौन से स्टॉक है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ACC को जो है आपको बाय करना है 1376 पे, इसको आपको बाय करना है। और अगर ये डाउन साइड आता है तो इसको आपको सेल करना है 1360 पे। तो इसका जो बाइंग साइड टारगेट रहेगा, सबसे पहले इसको आपको बाय करना है 1376 पर, और ये टारगेट रहेगा 1380 1384 1388। अगर ये डाउन साइड आता है तो आपको इसको सेल करना है 1360 पर, टारगेट रहेगा 1356 1352 1348। दूसरा जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों वो है PVR। PVR को आपको बाय करना है 1118 पर, टारगेट रहेगा 1182 1126 1130। अगर ये डाउन साइड जाता है दोस्तों तो आपको इसको सेल करना है 1090 पर, टारगेट रहेगा 1087 1084 1080। तीसरा जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों वो इंडिगो। इंडिगो को आपको बाय करना है 975 पर, टारगेट रहेगा 978 981 985। अगर ये डाउन साइड जाता है तो आपको इसको सेल करना है 955 पर, टारगेट रहेगा 952 948 945। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 स्टॉक जिसको आपको जो है कल थर्सडे के लिए ट्रेड करना है। होप कि आप अच्छे से ट्रेड कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा यार, मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो मार्केट में बिगिनर्स है, जिनको पता नहीं होता है कि मार्केट से किस तरह से अर्निंग की जाती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।